ओके मैम। ओके, सो दिस पोयम इज रिटन बाय तोरु दत्त। तोरु दत्त वॉज अ बेंगोली ट्रांसलेटर, द पोएट फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। शी इज सीन एज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। ओके, सो ये जो तोरु दत्त है, शी वॉज यू नो मोस्ट ऑफ हर लाइफ शी हैज स्पेंट इन द कोलकाता। ओके, इनका जो लाइफ स्पैन था पूरा, जो पूरी जिंदगी थी कार्यकाल, वो सिर्फ 21 ईयर्स की थी। ओनली 21 ईयर्स, एंड दिस यू कैन सी फ्रॉम हर यू नो फेम। अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट गेट फेम। उनकी पूरी जो लाइफ थी, उनका जिस हिसाब से काम है, जिस हिसाब से ये पोएम है, उस हिसाब से उनको कभी फेम नहीं मिला, पॉपुलैरिटी नहीं मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उनकी पूरी जिंदगी थी वो सिर्फ 21 साल की थी। हो सकता है अगर वो और लोगों की तरह, और पोइट्स की तरह, और राइटर्स की तरह और लंबा रहती, उनकी लाइफ भी 45-60 ईयर्स तक एटलीस्ट वो सर्वाइव करती, तो हो सकता है वो और बुक्स लिखती। जब वो सिर्फ 21 ईयर्स की सोचो एज में उनकी डेथ हो गई, ठीक है, मतलब उन्होंने जितना भी अपना काम किया है सिर्फ 21 साल के ही दौरान किया है। और 21 साल का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा एक साल से लिखना शुरू कर देगा। अगर कोई इंसान लिखता है, राइटर है, तो कम से कम 12-13 साल बाद ही लिखना शुरू करेगा, है कि नहीं? 12-13 साल से 21 साल तक, तो ये इन्होंने बहुत कम टाइम में ये जो अचीवमेंट है इसको हासिल किया कि आज इनकी जो पोयम है वो बुक में है हमारे, ठीक है, जहाँ हम पोयम पढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की, सरोजिनी नायडू की और स्वामी विवेकानंद की, वहाँ हम इनकी भी पोयम पढ़ रहे हैं बुक में, जबकि इनकी जो लाइफ थी वो सिर्फ 21 ईयर्स की थी। हो सकता है अगर ये और लंबा जीती, इनकी लाइफ और लंबी होती, तो इनका जो फेम है वो और ज़्यादा इनको मिलता। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, शी हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन कोलकाता। ओके, एंड हर लाइफ स्पैन वॉज ओनली ऑफ 21 ईयर्स। ओके, एंड शी वॉज फ्रॉम दत्त फैमिली बिकॉज हर सरनेम इज दत्त। एंड what else to know about her, she is actually a Bengali writer. Okay, now we will not go into very much detail about Toru Dutt because eventually she did not get that fame. उनका इतना कोई हाई प्रोफाइल वर्क नहीं है, इतना ज़्यादा कोई वर्क नहीं है, और इतना ज़्यादा वो फेमस नहीं है कि उनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ें, ठीक है? सो इतना हमारे लिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि दिस पोएम इज रिटन बाय तोरु दत्त। शी वॉज अ बेंगोली राइटर। ओके, शी यूज टू राइट इन इंग्लिश एज वेल एज इन फ्रेंच। हर लाइफ स्पैन वॉज ऑफ 21 ईयर्स। सपोज यू गॉट दिस क्वेश्चन दैट तोरु दत्त लाइफ स्पैन वॉज 21 years, 42 years, 32 years, 19 years. So at least you should know कि हाँ भाई ये अगर राइटर है, इन्होंने हमारी बुक में काम लिखा है, तो हमें इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट कि उनकी डेथ 21 साल में हुई थी कि 47 ईयर में हुई थी, ठीक है? बेटा माइक्स म्यूट कर दो बेटा प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो टुडे आई हैव माय बुक विद मी बिकॉज दिस पोयम हैज अ लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स, अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, एंड हियर आई हैव रिटन फ्यू की वर्ड्स। इफ यू हैव योर बुक्स विद यू, यू कैन सी दिस वर्ड्स इन योर बुक्स। सो वेरी फर्स्ट वर्ड इज फॉलिएज, व्हिच इज इन योर टाइटल इटसेल्फ। जो आपका टाइटल है उसी में ये वर्ड है फॉलिएज। ओके, फॉलिएज मीन्स होता है ग्रीनरी, हरियाली। ठीक, कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम देख लेते हैं, वरना हमें आगे पोएम समझने में प्रॉब्लम होगी। सेकंड वन इज इट्स गिड्स। ओके, पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग, GIRDS। ओके, इट्स गिड्स मींस सराउंडेड, किसी चीज से घिरा हुआ होना। इन द नेक्स्ट लाइन देयर इज अ वर्ड अनवैरिड। अनवैरिड मतलब होता है मोनोटोनस, मतलब बोरिंग, डल, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग सी बात ना हो, ठीक है, मोनोटोनस होना। Then you have this word in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth line, there is a word clumps. Clumps मतलब होता है bunches, ठीक है? मतलब किसी चीज का गुच्छा बन जाना, गुच्छा भी बन जाना, और दूसरा जैसे आटा होता है, जब आप आटे को गूंद देते हो तो उसका इस तरीके से एक डो टाइप का बन जाता है ना, आप उसको भी क्लम्प कह सकते हो। या अगर बहुत सारे मान लो छोटे 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 जामुन है और वो एक जगह ऐसे इकट्ठा हो गए, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, क्लम्प। तो दोनों ही चीज क्लम्प है, वो जो हमने आटा गूंद के रखा वो ऐसे बना हुआ है डो, उसको भी हम क्लम्प कह सकते हैं। और इधर जो हमारा छोटे छोटे पेड़ों का जो गुच्छा बना है, जो छोटे छोटे फल का या किसी भी चीज का, उसको भी हम क्लम्प बोल सकते हैं। हिंदी में आप इसको गुच्छा समझ सकते हो।
ग्रीन प्रोफाउंड मतलब होता है डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। प्रोफाउंड जहां लगा हुआ होगा उसका मतलब होगा डार्क ग्रीन या डीप, ओके। ये किसी भी कलर के आगे लग सकता था। ये रेड प्रोफाउंड होता तो क्या मतलब हो जाता कि एकदम डार्क वाला, एकदम डीप वाला रेड, ठीक है। अगर यहाँ येलो होता, ब्लू होता, मान लो ब्लू ब्लू प्रोफाउंड होता तो मतलब हो जाता डार्क एंड डीप ब्लू, ठीक है। ग्रीन प्रोफाउंड मतलब डार्क एंड डीप ग्रीन। ग्रीन के भी अलग अलग शेड होते हैं ना, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, सी ग्रीन, उसी में से एक ग्रीन है ये। नाउ देयर इज रिटन दिस वर्ड, दिस मींस ओवर, वी इज मिसिंग हियर, ओके। सिम्यूल, सिम्यूल क्या होता है? सिम्यूल होता है सिल्क कॉटन का एक ट्री होता है, ठीक है, और जिसके फ्लावर्स होते हैं मरून कलर के। उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े से वेलवेट टाइप के दिखते हैं देखने में। Then there is last last few words. Swoon means SWOON. Swoon means feeling dizzy, ठीक है, or you can say intoxicated. Intoxicated का मतलब क्या होता है? Is there anybody who would like to say intoxicated मतलब क्या होता है? Feeling dizzy. Feeling dizzy मतलब क्या होता है? Yes. ओके, इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है जो इंसान नशे में होता है, ठीक है। सो स्वून मतलब होता है किसी चीज से इतना कैप्टिवेटेड हो जाना दैट आपको इंटॉक्सिकेटेड टाइप की फीलिंग आए, ठीक है। प्रिमेवल एडन क्या होता है? प्रिमेवल एडन वॉज द फर्स्ट गार्डन अकॉर्डिंग टू द बाइबल बाइबल वेयर एडम एंड ईव लिव्ड, ठीक है। बाइबल के अकॉर्डिंग ये जो प्रिमेवल एडन है ये नाम था उस गार्डन का जहां एडम और ईव रहा करते थे। और लास्ट वर्ड है बुक का इन अमेज, जिसका मतलब होता है वंडर, ठीक है, और इन अमेजमेंट बहुत सरप्राइज्ड हो जाना किसी चीज से। ओके, आई होप देयर इज नथिंग टू आस्क। इफ देयर इज एनीथिंग टू आस्क यू कैन आस्क एनी टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग। ओके, सो शैल वी स्टार्ट दिस? इन दिस पोएम, बेटा पोएम को अच्छे से समझ लो। पता नहीं वीडियो से आप लोगों को समझ में आया नहीं, आया या नहीं, लेकिन पोएम इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी पोएम है। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स विच आई टॉट इन लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर वाला बैच था उनको ये पोएम बहुत पसंद आई थी। सो आप लोग इस पोएम को अच्छे से समझो, अगर कोई चीज होती है पूछने लायक तो पूछो। इन दिस पोएम द पोएट इज, ओके लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट पोएटिस, ओके। पहले ऐसा होता था कि पोएट लिखते थे मेल पोएट के लिए और पोएटिस लिखते थे फीमेल के लिए। अब आप यहाँ पे पोएट भी लिख सकते हो, ठीक है, इट विल बी सेम। ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल है तो उसके लिए पोएटिस लिखना जरूरी है, ठीक है। हु इज दिस प्रशांत गुप्ता? आई गेस प्रिया का नंबर है, चार बार आ चुकी है, चार बार जा चुकी है, डिस्टर्ब्ड। Okay, in this poem, the poet describes the beauty of the garden around her family bungalow. She tells us that her garden appeared like sea of foliage, but cautions us not to come to hasty conclusion. The beauty of the garden was so enchanting that one can get intoxicated by beauty and go on gazing at primeval Eden in utter amazement. Okay, first of all, let me tell you what is the central theme and what is the बेसिक समरी ऑफ दिस पोएम, देन आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन वाइज। देखो पोएम में होता क्या है, जो हमारी तोरु दत्त है, जो पोएट है हमारी, ठीक है, शी फील्स, ओके, शी हैज अ गार्डन इन हर हाउस। उनके घर में एक गार्डन है, ठीक है, विच इज हर फैमिली गार्डन, एंड शी बिलीव्स दैट हर गार्डन इज सो ब्यूटिफुल, ओके। उसको ऐसा लगता है कि उसका जो गार्डन है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। दूसरी चीज, उनको ये लगता है, शी गोज ऑन टू कंपेयर हर गार्डन विद द सी, ओके। व्हाई? नोबडी नोज। शी जस्ट फेल्ट कि उसका जो गार्डन है, ठीक है, वो उसे कंपेयर करती है सी से। एंड यू नो इन दिस पोएम शी विल बी टेलिंग अस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। शी ट्राइज टू जस्टिफाई दैट हर गार्डन इज वे मोर ब्यूटिफुल देन द सी। वो हमें अलग अलग पैराग्राफ में, अलग अलग लाइंस में, अलग अलग यू नो रीजंस देगी, एक्सक्यूज देंगी ये प्रूफ करने के लिए कि उनका जो गार्डन है वो सी से 1000 times बेटर है, ओके। सो शी इज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे, शी इज जस्ट ट्राइंग टू प्रूफ दैट हर गार्डन इज वे मोर ब्यूटिफुल देन द सी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाई शी हैज रिटन दिस होल पोएम।
let's start the poem. A sea of foliage girds our garden round, but not a sea of dull unvaried green. Sharp contrast of all colors here are seen. The light green, graceful tamarind abound amid the mango clumps of green profound, and palms arise like pillars gray between, and over the quiet pools the simul lean, red, red, and startling like a trumpet's sound. So, let's read the poem line wise. सबसे पहले first two lines को देखते हैं. A sea of foliage girds our garden round, but not a sea of dull unvaried green. So in the first line, she goes on to say that she has a garden. Okay, she has a garden, and she is telling that garden as a sea. वो कहती है कि हमारी फैमिली में भी एक, प्लीज म्यूट योर माइक अदरवाइज आई विल रिमूव यू इरफान, मोहम्मद इरफान, या तो माइक म्यूट करो या तो फिर हम तुम्हें रिमूव कर दे बेटा. ओके, शी जस्ट सेज दैट माय गार्डन, ओके, माय गार्डन इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, मींस अ लॉट ऑफ यू नो अ शार्प कंट्रास्ट ऑफ ग्रीन कलर इज सीन इन हर गार्डन. फर्स्ट लाइन में ये जो सी वर्ड लिखा है ये किसके लिए लिखा है, उसके गार्डन के लिए लिखा है. यहाँ सी की बात नहीं हो रही है, वो अपने गार्डन को ही सी कह रही है और कहती है कि हमारा जो घर का गार्डन है, हमारे जो घर का सी है, दैट इज फिल्ड विद द ग्रीन कलर. ओके, दैट इज सराउंडेड बाय द ग्रीनरी. फोलियज मतलब आपका क्या होता है, ग्रीनरी, और ग्रिड्स मतलब क्या होता है आपका, सराउंडेड. ठीक है, आर गार्डन राउंड मतलब जो हमारे घर का गार्डन है वो ग्रीन कलर से सराउंडेड है पूरी तरीके से. बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन. अब वो कहती है कि जो हमारा गार्डन है दैट इज अ सी. ओके, दैट इंडीड इज अ सी, बट नॉट अ सी ऑफ डल बोरिंग ग्रीन. ओके, सो बेसिकली शी इज सेइंग हियर दैट जो सी है दैट इज बोरिंग. अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हमारा भी घर तुम्हारे घर जैसा है, लेकिन हमारा घर इतना छोटा नहीं है, सो इनडायरेक्टली वो आपको यही कह रहा है ना कि हाँ भाई तुम्हारा घर छोटा है. सो यहाँ पे ये यही काम कर रही है. पहली लाइन में इन्होंने कहा कि हमारे घर में जो सी है वो बहुत ही अच्छा है, ग्रीन कलर का है, पूरे हर तरफ फैला हुआ है. दूसरी लाइन में ये कह रही है कि हाँ हमारे घर में सी है तो, लेकिन वो वैसा सी नहीं है जैसा सी होता है, बोरिंग सा, एक ही कलर का. ठीक है, सो सी इज जनरली ऑफ वन कलर. सो शी सेज दैट वी हैव द सी of green color, but our sea is not as boring as the real sea. कहती है कि वो जो real sea होता है वो एक ही color का होता है, बड़ा dull सा होता है, बड़ा boring सा होता है, उसमें कोई different colors नहीं होते, different shades नहीं होते. Sharp contrast of all colors here are seen, and she goes on to say that in my garden there is different colors of green, there are different shades of green. Sharp contrast मतलब हर सारे जो कलर्स हैं उनका कंट्रास्ट है. देयर इज अ लाइट ग्रीन कलर, देयर इज अ डार्क ग्रीन कलर, देयर इज येलो कलर, देयर इज रेड कलर. ओके, सो हर गार्डन इज फिल्ड विद डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ट्रीज. वेयर एज शी फील्स दैट द सी, व्हिच इज एक्चुअली सी, ओके, इज बोरिंग, इज मोनोटोनस. क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सी में कुछ अलग नहीं होता है, एक ही कलर होता है. हम चाहे उसे सर्दी में देखें, चाहे गर्मी में देखें, चाहे कभी भी देखें, वो एक ही कलर का रहेगा, बड़ा बोरिंग सा लुक देता है. बट उनके गार्डन में ऐसा नहीं है. ठीक है, उनके गार्डन में डिफरेंट कलर्स ऑफ, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन है. अब वो थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगी अपने गार्डन को और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगी कि क्या क्या चीजें उसके गार्डन में है. द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैम्बरेंट अबाउंड. ओके, अबाउंड मीन्स इन अ ह्यूज नंबर, इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारा होना. ठीक है, सो इन हर गार्डन लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर किसको रिफ्लेक्ट करता है, टैम्बरिंड. टैम्बरिंड किसका पेड़ होता है, कोई बताएगा? इमली. वेरी गुड. ओके, सो शी that there are a lot of tamarind trees. Okay, there is a tamarind tree in a large number in her garden, and that tamarind tree reflect the light green color. Matlab bahut hi zyada large number mein uske garden mein kya laga hua hai, tamarind tree lage hue hain. और वो जो टैमरिन ट्री हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रेफर करते हैं किस कलर को, लाइट ग्रीन कलर को. क्योंकि जितनी दूरी पे टैमरिन ट्री लगे हुए हैं उतनी दूरी पे सिर्फ एक ही कलर दिखता है, और कौन सा कलर है वो, लाइट ग्रीन.
Amid, amid मतलब होता है in between, किसी के बीच में, ठीक है? Amid the mango clumps of green profound. Now, amid the mango clump, clump मतलब गुच्छा, amid मतलब बीच में, ठीक है? So, amid the mango clump, मतलब जहां पे mango के clumps हैं, जब आप उसको ठीक से देखोगे, उसके बीच में देखोगे, तो आपको सिर्फ एक कलर दिखाई देगा. कौन सा दिखाई देगा? ग्रीन प्रोफाउंड. प्रोफाउंड मतलब अभी बताया था डार्क या डीप. अगर यहाँ पे रेड प्रोफाउंड होता तो मतलब रेड कलर की बात होती, ग्रीन की बात हो रही है तो मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क और डीप ग्रीन, इतना डार्क ग्रीन कि वो ब्लैक दिखने लगे आपको, ठीक है? ग्रीन कलर जब बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है तो वो हल्का ब्लैक दिखने लगता है, उसको ठीक से देखना पड़ता है. और सेम चीज होती है आपकी ब्लू के साथ. जब आप नेवी ब्लू जो है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है तो देखो नेवी ब्लू और ब्लैक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है? सो शी सेज दैट इन हर गार्डन लाइट ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट, सॉरी टैमरिन ट्रीज रिफ्लेक्ट द लाइट ग्रीन कलर एंड मैंगो क्लम्स. मैंगो क्लम्स किस कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं? डार्क ग्रीन को, ठीक है? अब बात ये है यहाँ पे कि मैंगो क्लम्स को समझाया कैसे है? समझ गए ना कि मैंगो क्लम्स है, ठीक है? सारे आम के गुच्छे बने हुए हैं. मतलब ये है कि जब आप उस आम के गुच्छे के ऊपर देखोगे, ठीक है, उसके उसको देखोगे तो वो जो मैंगो क्लम्स है वो जिस तरह इकट्ठा हुए हैं वो किस कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं? एकदम ही डार्क ग्रीन, एकदम डीप ग्रीन, ठीक है? एंड पाम्स अराइज लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन. And palms arise like pillar grey between. Palms क्या होता है बेटा? Palm is actually a tree, ठीक है? और हिंदी में इसको कहते हैं ताड़ का, ठीक है? ताड़ का पेड़ होता है, उसको palm कहते हैं. Palm एक तरीके का पेड़ होता है और इसकी speciality क्या होती है वो भी बता देती हूँ. इसकी speciality होती है कि इसको जब आप दूर से देखते हो ना तो ये grey दिखने लगता है और ये बिल्कुल एक खम्बे की तरह दिखता है क्योंकि जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, बहुत पतला, ठीक है? सो ये दूर से देखने में कैसा लगता है? जैसे कोई पिलर खड़ा हो ग्रे कलर का. सो वही बात यहाँ पे ये कह रही है. एंड शी सेज एंड पाम्स अराइज लाइक ग्रे पिलर्स ग्रे बिटवीन. ओके, शी सेज दैट एंड अ लॉट ऑफ पाम ट्रीज आर देयर इन माई गार्डन एंड वेन यू लुक एट देम दे लुक लाइक द ग्रे पिलर्स. सो जो पाम ट्री है वो किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ग्रे पिलर्स. ग्रे बेटा कलर पूछा था, सिर्फ पिलर नहीं, ग्रे कलर को, ठीक है? अभी तक से तीन कलर्स के बारे में बात हुई है. लाइट ग्रीन कलर क्या है? लाइट ग्रीन कलर क्या है? टैमरिंड्स. हाँ, डार्क ग्रीन कलर क्या है? मैंगो क्लम्स. मैंगो क्लम्स. ग्रे कलर प्लम्स. पाम. पाम बेटा, प्लम नहीं, पाम ट्री. पाम ये होता है ना, इसको पाम कहते हो ना, वैसे उसको पाम कहेंगे. ओके, एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमियर लेन रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड. स्टार्टलिंग मतलब होता है साउंड, किसी भी तरीके का साउंड, किसी भी प्रकार की आवाज, ठीक है? नाउ दीज टू लाइन्स आर वेरी ब्यूटिफुल बट वेरी यू नो टफ टू अंडरस्टैंड. ध्यान से सुनना. एंड ओवर द क्वाइट पूल्स द सीमियर लेन रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड. Next, she explains that in her garden, okay, next to pool, जो pool बना हुआ है, उसके just बगल में सीमियल trees लगे हुए हैं, ठीक है? सीमियल trees. सीमियल trees अभी बताया था कि क्या होता है. सीमियल trees एक तरीके का पेड़ होता है जिसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? मरून कलर के, ऐसे लगते हैं जैसे उस पर वेलवेट चढ़ा है, ठीक है? So, वो कहती है कि उसके गार्डन में पूल के जस्ट बगल में सीमियल पेड़ उगे हुए हैं, सीमियल पेड़ लगे हुए हैं. और वो सीमियल ट्री पता है उसको किस चीज की याद दिलाते हैं? जब वो सीमियल ट्री को देखती है, उसके सुंदर एकदम वेलवेट टाइप के फ्लावर्स को देखती है मरून कलर के, तो उसको याद आता है ट्रम्पेट. जानते हो बेटा ट्रम्पेट? विगुल जानते हो? विगुल. Yes, ma'am. विगुल होता है जो पुराने जमाने में जैसे युद्ध होता था तो युद्ध से के आरंभ से पहले विगुल बजाया जाता था, या अगर कोई जीत जाता था कोई युद्ध तो विगुल बजाया जाता था ना. तो वो जो विगुल होता है वो रेड कलर के कपड़े से पूरा रैप्ड होता है, ठीक है? वो जो विगुल होता है वो वेलवेट मखमल के कपड़े से उसको पूरा लपेटा जाता है, ठीक? क्योंकि रेड कलर जो है वो अच्छा मानते हैं,
तो जो भी विगुल जब यूज किया जाता है तो विगुल को पूरा रेड कलर में रैप किया जाता है। तो अब यहाँ पे वो कितनी बड़ी चीज सोच ले रही है, सोचो उसका जो इमेजिनेशन पावर है कितनी अच्छी है। वो कहती है कि वो जो सैमुएल ट्री है वो उसे किसकी याद दिलाती है, वो उसे याद दिलाता है रेड रेड ट्रम्पेट साउंड की तरह। वो कहती है जब ट्रम्पेट है जो विगुल है आपका वो जब बजता है किसी युद्ध के आरंभ में या कहीं पर भी बजता है, तब उसमें जैसी जैसा लुक आता है वैसा ही लुक कहाँ पे आ रहा है, उसके सैमुएल लीन में। सो यहाँ पे ये आपके सैमुएल लीन को कंपेयर कर रही है किससे, ट्रम्पेट के साउंड से, ठीक है, ट्रम्पेट के साउंड से। और दो बार यहाँ रेड रेड क्यों लिखा है, बिकॉज दैट इज वेरी अगेन वेरी डार्क रेड। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डार्क रेड शी हैज जस्ट रिटन रेड रेड ट्वाइस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बोथ द लाइन्स आर वेरी ब्यूटिफुल एंड क्वाइट टफ, सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन बेटा पूछ लो। शी सेज दैट हर सैमुएल ट्री विच इज इन हर गार्डन बिसाइड द पूल रिमाइंड्स हर ऑफ द ट्रम्पेट साउंड विच इज यूज्ड। ओके, दैट ट्रम्पेट विच इज कवर्ड इन रेड कलर। क्यों उसे ट्रम्पेट की याद आती है, समझ में आया ना, क्योंकि ट्रम्पेट को भी रेड कलर के मखमल के कपड़े से पूरा लपेटा जाता है। और उसका जो फूल है सैमुएल का, जो पूरा पेड़ है सैमुएल का जिसमें पूरे फूल भरे हुए हैं, वो फूल का जो फूल है जो फ्लावर है उसके भी जो पत्ते हैं वो पूरे एकदम मखमल की ही तरह होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोएम इज अ वेरी शॉर्ट वन, बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। रेंजेस कहते हैं लाइन्स ऑफ बैम्बू ट्रीज को। ठीक है, बैम्बू ट्रीज की यही स्पेशलिटी होती है, बैम्बू ट्रीज जब होते हैं ना तो वो ऐसे लाइन से, एक लाइन से ऐसे चलते जाते हैं। उनको जब लगाया जाता है तो एक रेंज में लगाया जाता है। सी हियर इन द बुक इट इज मेड, बुक में यहाँ बना हुआ है बैम्बू ट्री, दिखा। ओके, सो बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस ऑफ बैम्बू टू द ईस्ट वर्ड। ईस्ट मतलब पूरब की दिशा। वेन द मून लुक्स थ्रू द गैप एंड वाइट लोटस चेंजेस इन टू अ कप ऑफ सिल्वर, वन माइट स्वोन ड्रंकेड विद अ ब्यूटी देन और गेज एंड गेज ऑन अ प्रिमेबल इडन इन अमेज। नाउ दिस पैराग्राफ इज रियली ब्यूटिफुल, बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस। ओके, इन हर गार्डन शी लाइक्स एवरीथिंग। ओके, उसके गार्डन में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे ना पसंद हो। बट वॉट फैसिनेट्स हर द मोस्ट, वॉट डज शी लाइक द मोस्ट, शी लाइक द मोस्ट द रेंजेस ऑफ बैम्बू ट्रीज। ठीक है, वैसे तो उसके गार्डन में जितनी भी चीजें हैं उसे सब पसंद है, बट स्टिल देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग दैट शी बिलीव्स इज द लवलीएस्ट। उसे लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो सबसे खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और वो क्या है, द लाइंस ऑफ बैम्बू ट्रीज। क्यों उसे ऐसा लगता है, शी इज एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो। रेंजेस ऑफ बैम्बूज टू द ईस्टवर्ड व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप एंड व्हाइट लोटस चेंजेस इन टू अ कप ऑफ सिल्वर। So, मतलब so beautiful lines. She says that when, ध्यान से सुनना इसको तुम लोग, ठीक है, when the lines of bamboo trees, okay, I'm just giving you a situation to imagine, just imagine it. There is garden, okay, everything is beautiful in the garden. Now suppose a special section, garden का एक special section को सोचो, जहाँ पर ऐसे lines से bamboo trees लगे हुए हैं, ठीक है? इधर पूरी एक रेंज लगी है बैम्बू ट्रीज की और इधर पूरी एक रेंज लगी है बैम्बू ट्रीज की। ठीक, जो बैम्बू ट्रीज हैं वो इस तरीके से उगते हैं, इस तरीके से रहते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, जब आप उसको देखोगे, दो बैम्बू ट्रीज को अगर आप खड़ा करोगे तो ऐसे उगता है, एक बैम्बू ट्रीज इधर जाएगा एक इधर जाता है। ठीक, और इसके बीच में जो गैप है, शी सेज दैट जो इसके बीच से गैप है दोनों बैम्बू ट्रीज की, उसके बीच से क्या दिख रहा है, मून। ठीक है, उसके बीच से पोएट को क्या दिख रहा है, मून। और ये जो टाइम है, ये जो टाइम चेंज होता है, उसके गार्डन में जो व्हाइट कलर के लोटस लगे हुए हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के लोटस, जब वो पूरी तरीके से खिल जाते हैं तो वो व्हाइट कलर का लोटस नहीं दिखता, वो कैसा लगता है, जैसे कोई सिल्वर का कप रखा हो। ठीक है,
यू कैन इमेजिन हाउ हाई हर इमेजिनेशन इज, कितनी हाई इमेजिनेशन है इनकी कि इतना सब कुछ ये सोच सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो सिल्वर कलर का कप है, ठीक है, सिल्वर कलर का जो लोटस है, जब वो पूरी तरीके से खिल जाता है तो वो कैसा दिखता है, सिल्वर कलर के कप की तरह, ठीक। She says that that scene is so beautiful, so captivating that one might swoon. वो scene जो है वो देखने में इतना प्यारा लगता है कि इधर से पूरे bamboos लगे हुए हैं, इधर से पूरे bamboo trees लगे हुए हैं, दोनों bamboo trees के बीच से जो gap है यहाँ पे, यहाँ से उसको क्या दिख रहा है, moon दिख रहा है, ठीक है, moon दिख रहा है। और ये जो सारे bamboo trees लगे हैं ये किस तरफ लगे हैं, eastward, पूरब की तरफ लगे हैं, मतलब गार्डन में एक स्पेशल सेक्शन है पूरब की दिशा में, वहां पे इसके ट्रीज लगे हुए हैं, इधर ट्रीज हैं, दोनों के बीच से जो गैप है उसमें से क्या दिख रहा है, मून दिख रहा है। जब टाइम चेंज होता है, जब वो लोटस है, लोटस पूरी तरीके से खिल जाता है, तो लोटस कैसा दिखता है, जैसे कोई सिल्वर कप रखा हुआ हो। दैट होल सीन इज सो ब्यूटिफुल कि एक इंसान को कैसा लगने लगेगा, कैप्टिवेटिंग, इंटॉक्सिकेटेड। अगर कोई इंसान उसको देखेगा तो उसको वो सीन कैसा लगेगा, बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग, उसे लगेगा जैसे वो रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, कहीं और है, ठीक। ड्रंकन विद ब्यूटी देन, ओके, अ पर्सन विल फील दैट द पर्सन इज ड्रंकन विद द ब्यूटी। जैसे एक ड्रंक इंसान होता है, ठीक है, उसे इंटॉक्सिकेशन फील होने लगती है नशे की वजह से। सिमिलरली अगर कोई उस ब्यूटी को देखता है तो उसे भी ड्रंकन वाली फीलिंग आने लगती है, लेकिन उसे वहां नशा नहीं किया रहता है, उसे क्या रहता है, ब्यूटी का नशा रहता है, ठीक है। बिकॉज एवरीवेयर देर इज सो मच ब्यूटी दैट द पर्सन स्टार्ट्स टू फील यू नो इंटॉक्सिकेटेड। ड्रंकन विद ब्यूटी देन और गेज एंड गेज, ओके, द पर्सन जस्ट लुक्स एट दैट सिनेरियो, ओके, एंड दे जस्ट गेज एंड गेज। उनका कभी मन नहीं भरेगा उस सीन से, वो उसे देखते ही जाएंगे क्योंकि वो सीन इतना खूबसूरत है। ऑन अ प्रेमेबल एडन इन अमेज ना, प्रेमेबल एडन क्या है बेटा, फर्स्ट गार्डन वेयर एडम एंड ईव लिव्ड, ओके। सो शी सेज दैट शी फील्स वंडर, व्हाई शी फील्स वंडर, उसे ऐसा लगता है, पहली चीज यहाँ दो लाइन, दो मतलब निकल के आ रहे हैं, ठीक है। पहला मतलब ये है कि शी कंपेयर्स हर गार्डन एट द एंड ऑफ द पोयम टू द प्रेमेबल एडन, एंड सेकंड थिंग शी सेज दैट व्हेन माय गार्डन लुक्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है, जब मेरा ही गार्डन इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जबकि मैं एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, मेरा गार्डन एक नॉर्मल सा गार्डन है, लेकिन जब मेरा गार्डन इतना खूबसूरत है तो वॉट डज इट लुक लाइक टू हैव प्रेमेबल Eden, you know, she just thinks this and she just gets wonder. She wonders about this. She feel amazement. वो सोच के हैरान रहती है कि प्रेमेबल एडन जो है वो कैसा दिखता रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा जहां एडम और ईव रहा करते थे। क्योंकि प्रेमेबल एडन जो एडम और ईव का गार्डन था, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे सारे तरीके के पेड़ थे, सब कुछ था, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जो वहां पे नहीं था। जब गॉड ने उनके लिए प्रेमेबल एडन बनाया था तो गॉड ने वहां हर एक पेड़ लगाया था, हर एक फूल लगाया था, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उस गार्डन में ना हो। सो शी फील्स दैट व्हेन हर गार्डन इज सो ब्यूटीफुल, हाउ वुड इट लुक लाइक टू हैव प्रेमेबल एडन। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, वी हैव 5 मिनट्स, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इन एनी लाइन, बट वन बाय वन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी क्वेश्चन। एंड समबडी इज डूइंग चैटिंग, लेट मी सी Who is this? शुभ सिंह, मैम पबजी खेलते हैं, शुभ तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो नहीं। नो आई डोंट नो, आई डोंट प्ले पबजी, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है बेटा। ओके, यू गाइज आर रिस्ट्रिक्टेड टू चैट, isn't it? प्रिंसिपल सर ने मना किया है ना, don't text here, if you want to talk to your friends go and talk to somewhere else, aur agar mujhse baat karni hai to only ask about the poem, if there is any confusion in the poem। Arushi, Ishan, Ananya, Ichha, Janvi, beta kisi ko koi confusion hai? Sandhya, Karshit, Lakshmi, Vedika, Shikha, Anuj, Adarsh, Jagriti, Priyanshi, Priya, Mohammad Nabil. So I will take attendance na, isliye naam le rahi hu. Soumya, Anshika, Anirudh, Ayushi, Nikhil, Kumari Garima, Abhishek. I'm meaning of swoon. Kya beta? Swoon. Swoon means intoxicated, dizzy, nashe mein hona. Theek hai? Halka halka nashe type ki feel aana.
ओके, दिव्या गुप्ता भी आ गई हैं टाइम खत्म होने से पहले, आशुतोष, अर्पित, आर्यन श्रीवास्तव, अनुभव, सुंदरम, अपूर्व, राजन, शुभ, आयशा, कुमारी श्रद्धा, ओके, नितिन, श्रेया, ओके, और फर्स्ट में शिवांश भी था शायद, हाँ शिवांश भी है। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को पूछने के लिए? मैम ग्रीड मतलब क्या होता है? मैम ग्रीड मतलब क्या होता है? गिल्ड, 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 गिल्ड मतलब होता है सराउंडेड, घिरा हुआ होना। गिल्ड मतलब सराउंडेड, किसी चीज से घिरा हुआ होना। मैम एक्सप्लेन लास्ट टू लाइन। ओके श्योर। ओके, ड्रंक इंटू अ सिल्वर, इंटू अ कप ऑफ सिल्वर वन माइट सोन, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि बैम्बूस की जो लाइन्स है वो लगी हुई हैं, उनके जो गैप्स है उनके बीच से उसको दिख रहा है मून, ठीक है। टाइम चेंज होने के साथ जब उसका जो सिल्वर कलर का लोटस है जब वो पूरी तरीके से खिल जाता है तो सिल्वर कप की तरह दिखने लगता है, ठीक है। जो सीन है वो इतना खूबसूरत है कि एक इंसान को नशे जैसी फीलिंग आने लगती है, इंटॉक्सिकेटेड फील होने लगता है, कैप्टिवेटिंग फील होने लगता है। ड्रंकन विद ब्यूटी देन और गेज एंड गेन, नाउ द If one person will look at the garden, that person will feel that they have drunken with the beauty. जैसे एक इंसान को नशा करके नशे वाली फीलिंग आने लगती है, वैसे ही अगर कोई उस गार्डन को देखता तो उसे लगता जैसे उसने ब्यूटी का नशा कर रखा है। That scene was so captivating. Okay? She just looked at that and she just gaze and gaze. वो गार्डन की तरफ देखती है और देखती ही जाती है, देखती ही जाती है। Gaze मतलब होता है घूरना, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। सो उसकी नजर ही नहीं हटती है गार्डन से, गार्डन इतना सुंदर है। वो सीन देख के वो अमेज्ड हो जाती है, वो वंडर में चली जाती है और ये सोचने लगती है कि हाउ वुड इट लुक टू हैव अ, हाउ वुड इट फील टू हैव अ प्रिमेबल एडन। उसको लगता है व्हेन माय गार्डन विच इज सो नॉर्मल इज सो ब्यूटिफुल, हाउ वुड प्रिमेबल एडन लुक लाइक। जो प्रिमेबल एडन है, जो बाइबल में रेफर किया गया है, प्रिमेबल एडन ऐसा गार्डन था जहाँ पे एडम और ईव सबसे पहले रहे थे। कहा जाता है कि उससे सुंदर गार्डन कहीं कोई नहीं था, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ना हो। ऑब्वियसली गार्डन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड गार्डन क्रिएटेड बाय गॉड, डिफरेंस तो बहुत होगा, है कि नहीं। सो वो गार्डन जो था उतना खूबसूरत रहा होगा, वो उसके बारे में बस अमेज्ड होके सोचने लगती है। सो दीज वर द टू लाइन्स बेटा। नॉर्मल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल गेट, वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज प्रिमेबल एडन, ठीक है, प्रिमेबल एडन क्या है, ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, या पोएम किसने लिखी है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, सी को किससे कंपेयर किया गया है, या जो डार्क ग्रीन कलर है वो किसके लिए यूज किया गया, लाइट ग्रीन किसके लिए यूज किया गया है, पाम ट्रीज किस कलर के होते हैं। सो दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, एनीथिंग एल्स टू आस्क बेटा, किसी को कुछ पूछना है, बिकॉज टाइम इज रनिंग, आई एम अबाउट टू गो। कंट्रास्ट बेटा, कंट्रास्ट कलर को कहते हैं। सपोज डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर है तो वो कंट्रास्ट मतलब होता है डिफरेंस, अपोजिट चीज है, ठीक है। अगर डार्क ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर है तो कंट्रास्ट हुआ ना, जस्ट अपोजिट चीज है, वही होता है कंट्रास्ट। और कोई भी कुछ पूछ रहा है बेटा? अनवैरिड, अनवैरिड मैम, अनवैरिड बोरिंग, डल, मोनोटोनस,